आज हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें आपको रूलर और कंपास यूज करना होता है। सबसे पहला जब हम बात करेंगे स्क्वायर कैसे बनाना है, जैसे मैंने माना है स्क्वायर की इधर की साइड 5 है और इधर की भी 5 है, सारी 5 होंगी ना, उसको बनाएंगे कैसे। तो देखो सबसे पहले तो ऐसे आपने ये रूलर लिया और यहाँ पे आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन मान ली, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की आपने लाइन मान ली। अब उसके बाद कंपास लेने के बाद, जैसे मैं कंपास को बार बार यूज नहीं करूँगा इसी से बता दूंगा, कंपास से आपको 90 डिग्री में माना है। अब 90 डिग्री कैसे बनाता है वो आना चाहिए, सिक्स क्लास में कराया जाता है। ऐसे खोल के कंपास को ऐसे कर दो, ऐसा कुछ बन जाएगा। और फिर उतनी लेंथ से यहाँ पे जाके ऐसे आग मारो और दोबारा एक आग मारो, तो यहाँ पे एक आग मारी, यहाँ पे दोबारा एक आग मारी, तो ये क्या होता है 60 डिग्री होता है, ये कितना होता है 120 डिग्री होता है। अब इन दोनों का बाइसेक्टर लेने के लिए इसके आधे से ज़्यादा खोल के, आधे से ज़्यादा यहाँ पे आधा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा खोल के यहाँ पे इधर से क्लिक और यहाँ पे इधर से, यहाँ से ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसा बनेगा। और यहाँ पे जब इस पॉइंट को इससे जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपका 90 डिग्री बन जाएगा। ये 90 डिग्री बन गया, अभी आपने लाइन बना दी। अब इस पर 5 सेंटीमीटर कंपास ऐसे मापो 5 सेंटीमीटर और उसको यहाँ पे करके ऐसे यहाँ पे मार दो, यहाँ पे मार दो। अब ऐसे ही इस लाइन पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए दोबारा ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इंटरसेक्शन लेके 90 डिग्री बना दिया। यहाँ पे 5 डिग्री किया, सॉरी 5 सेंटीमीटर किया, यहाँ पे गया और आपके पास ये पॉइंट आ गया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ ऐसे स्क्वायर बन जाए, ओके है ना। अब रेक्टेंगल में भी बिल्कुल सेम ही होगा, बस साइड तो डिफरेंट होगी। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, अरे आपने 10 बनाई, ये जो 10 है ये वाली 10 बनाई, 90 डिग्री बनाया, 2 मार्क करी, यहाँ पे पॉइंट आया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे दोबारा 90 डिग्री बनाया, अब यहाँ पे दोबारा 10 मार्क करा, अब इस 10 पे दोबारा 90 डिग्री बनाया है ना। या फिर वो ऑब्वियसली इसको ज्वाइन कर दो तो आपका वही आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ जाएगा। एंड इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो दोबारा आ जाएगा नॉर्मल रेक्टेंगल, ओके। अब देखो आगे आपको, अगर आपको दिया हो पैरेललोग्राम बनाने के लिए दिया हो, तो पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको माना पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है हमारा, ऐसा होता है ये साइड मैंने मान ली 3 और ये साइड मैंने मान ली 4, ओके। तो ये भी 4 होगी और ये भी 3 होगी। अब आपको बनाना है कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 की बनाएंगे, मेरी बेस लाइन होगी रूलर से बना देंगे। उसके बाद देखो आपको एंगल भी दिया होगा बीच का, मतलब पता नहीं चलेगा 3 4 ऐसे हैं ऐसे ऐसे पता नहीं चल पाएगा ना, तो एंगल दिया होगा जरूर। यहाँ पे कोई भी एंगल मान लेता हूँ, तो वही एंगल आपने बनाया, मान लो 60 डिग्री है तो आपने बना दिया, 90 है तो आपने बना दिया, 120 है तो आपने बना दिया। लेकिन अगर ऐसे मान लो आप 17 डिग्री आ गया, 42 डिग्री आ गया, तो उसको आपको डी सी ही बनाना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि आपने यहाँ से वो डी सी एंगल बना लिया है और यहाँ से आपने लाइन खींच दी। अब उस लाइन में 4 सेंटीमीटर की आग खोल के ऐसे 4 सेंटीमीटर का ऐसे मतलब एक लिया और 4 सेंटीमीटर पर किया, 4 सेंटीमीटर और यहाँ से ऐसे करके लाइन मार, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर वाला पॉइंट आ गया। अब देखो अब एक लाइन इसके पैरेलल बनानी है, ऐसे बनानी है। अब वो कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे इसको रखो ऐसे और ऐसे कोई भी आग मार दो, मार दी। अब उतना ही खोले खोले, उतना खोले खोले तो नहीं होगा, यहाँ पे आग मार दो, मार दी। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे जितना यहाँ पे बिल्कुल एक पॉइंट पे ले जाओ, यहाँ पे कर लिया कट, यहाँ पे ऐसे कट मारना। अब उतना ही कट यहाँ पे जाके यहाँ मार दो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया और ये जो पॉइंट आया इसको मिला दो गया, ठीक है, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल लाइन मिल जाएगी आपकी। तो अब इसके ऊपर दोबारा 4 सेंटीमीटर लो, यहाँ पे मार दो, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों को मिला दो, आपके पास क्या आ जाएगा आपका पैरेललोग्राम, ओके। चलो देखो अब अगला टाइप तो हम कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है और हमें ये वाली साइड दी है, ये वाली साइड दी है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एंगल दिया है तो क्या करेंगे। अगर ये वाला डायगोनल दे दिया, ये वाला डायगोनल दे दिया तो अब करो, तो अब कैसे करेंगे,
देखो बहुत इजी है। देखो अगर मैंने एक एग्जांपल ही करते हैं, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये वाली साइड आपको 5 दे रखी है, ये वाली 7 दे रखी है, और ये जो डायगनल है ना, ये वाला डायगनल, ये आपको 3 दे रखा है, फिर चलो 6 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब देखो कैसे बनाएंगे, 5 बनाया नीचे का बेस स्केल से बनाया 5, इसके बाद 7 सेंटीमीटर का खोला इसको, इसको 7 सेंटीमीटर का खोला यहाँ पे करके 7 का, और ऐसे 8 मार के, ऐसे 8 मार। अब इधर गए 6 सेंटीमीटर का खोला थोड़ा सा 6 सेंटीमीटर, और इधर 8 मार। क्या आपको लगता है ये वाला पॉइंट आपको मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया आपको, ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन, वेरी गुड। अब देखो ये यहाँ पे भी ज्वाइन कर देंगे। अब आपके पास ये 6 है और आपको ये बनाना है, ये देखो ये 5 होगा और ये 7 होगा अगेन, है ना। अब यहाँ से 5 के 5 खोलो, 5 खोलो यहाँ से 5, यहाँ पे 8 मार दो, यहाँ पे जाओ 7 खोलो 8 मार दो, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, है ना, और फिर ये वाला पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप पैरेललोग्राम बन जाएगा बेसिकली आपका, ये रफ में बनाया गया, वरना आपको एग्जैक्टली पैरेललोग्राम मिलेगा। ओके ठीक है, चलो अब आवाज़ बंद निकाल करो। चलो अब हमने देखो, अभी हमने स्पेशल क्वाड्रेटर्स पढ़े थे, जैसे कि जिसमें रेक्टेंगल बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, अब कोई भी क्वाड्रेटर बन जाएगा, जैसे कि कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा कोई भी बन सकता है। देखो अगर हमें चार साइड दी हूँ क्वाड्रेटर की, चारों साइड दे दी और एक एंगल भी दे दिया, तो कैसे बनाएंगे। देखो जैसे कि एग्जाम्पल, पहले हमेशा ना एक रफ स्केच बनाया करो, उसके बाद असली बनाया करो। जैसे हमें रफ स्केच में ही दे दिया उन्होंने, ऐसा कुछ बनाने के लिए दे दिया, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये उन्होंने दे दिया, ये एंगल दे दिया 70 डिग्री, ये एंगल दे 70 डिग्री दे दिया। ओके अब देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये जो 5 है ये बनाओ, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। अब 70 डिग्री है, 70 डिग्री हम ऐसे करके नहीं बना सकते कंपास से, तो उसको डी से बना दिया हमने 70 डिग्री। अब यहाँ पे लाइन बनाई, देखो जैसे हमने डी लिया, ये देखो डॉट है, जो इसको बिल्कुल यहाँ पे डॉट पर मिलाना है, यहाँ से देखो इस लाइन को, ये लाइन को इसके हाथ बिल्कुल लाइन में मिलाना है। अब देखो 70 देखो 0 10 20 30 40 70, ये आया 70, हमें 70 डॉट बनाई और इस डॉट को यहाँ से जोड़ दिया, देखो 70 डिग्री पे बन गया यहाँ पे 70 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल बना है 70 डिग्री। ओके देखो अब ये बनाने के बाद ये साइड 60, अब देखो 6 सेंटीमीटर काटोगे यहाँ पे, करोगे 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, बन जाएगा वेरी इजी। अब यहाँ पे दिया 7 और यहाँ पे दिया 8, 8 का लो, 8 का लो और यहाँ पे मार दो आप, यहाँ पे क्या लो 7 का लो, यहाँ पे आप मार दो, ज्वाइन कर दो, बन गया गया आपका। ओके ये हमारा था एक टाइप। आगे चलते हैं साइड जो वन एंगल, अब क्या होगा, आपको 4 साइड्स दी होंगी और 1 डायगनल दिया होगा। एग्जाम्पल देखो, 4 साइड 1 डायगनल कर रहे थे, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये साइड दे रखी है हमें लास्ट वाला 5 6 7 8, और ये डायगनल की लेंथ दे रखी है 7। ओके कैसे बनाएंगे, बहुत इजी वेरी इजी। 5 बनाया, 6 का बनाया आर्क, 7 का बनाया आर्क, इंटरसेक्ट करें यहाँ पे जोड़ दिया, ये वाला पॉइंट मिल गया 26 और 7, राइट 27। अब देखो यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आने के बाद 7 का आर्क बनाया इधर, 8 का आर्क बनाया इधर, ज्वाइन कर दिया, आपका आंसर आ गया 7 8, खत्म, बहुत इजी 5 6। ओके चलो आगे देखेंगे। अब अगर हमारे पास, अभी देखो क्या था, अभी अभी इससे पहले क्या था, 4 साइड्स और 1 डायगनल था, राइट। अभी क्या है, साइड एक कम कर दी और डायगनल एक बढ़ा दिया, मतलब एग्जांपल लेते हैं। अब आपको जैसे ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, ये बताया आपको 5, ये बताया आपको 6, ये बताया 7,